जो प्रेस नोट है उसमें सब कुछ हमने लिख दिया है, बट ये इलेक्शन कमीशन को एक आवेदन दिया गया है जो यहाँ के जो विधायक हैं विधानसभा 60 पन्ना, उनके निष्कासन की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उनके नामांकन पत्र में बहुत सी त्रुटियाँ हैं और बहुत से तथ्य छुपाए गए हैं रक्षा संपदा को लेकर। रक्षा संपदा की जो ज़मीन है, पहले तो उनने अपने नाम नामांतरण कराया, नामांतरण करने के बाद में उनके नामांकन पत्र में वो ज़मीन उल्लेखित है, बकचूर गांव, ग्राम बकचूर, पन्ना जिला, कसरा नंबर 7 और 9। और उसके बाद में उसके ऊपर जो केस चल रहा है, क्योंकि एक नामांकन पत्र में अनिवार्य होता है कि अगर आपकी कोई भूमि आप खोल रहे हैं तो उसका केस नंबर भी खोलना चाहिए, पर क्योंकि रक्षा संपदा का केस था और वो खोलना नहीं चाहते थे और रक्षा संपदा पे वो काबिज थे, तो उनने हर प्रकार से कोशिश करी इस केस को इन्फ्लुएंस करने की। शिकायत इसकी लगभग 5 सितंबर 2018 को करी गई थी, वो भी मैनेज हो गई। उसके बाद इनने नामांकन पत्र भी भरा, वो भी मैनेज हो गया। उसके बाद इनने इलेक्शन भी लड़ा, वो मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद वे मंत्री बने। इस वक्त हमने ये आवेदन उनको दिया है और सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सर्टिफाइड कॉपियाँ इलेक्शन कमीशन दिल्ली को दी गई है और उसकी एक सूची भोपाल भेज दी गई है प्रति। और जो प्रोटोम इस वक्त जो विधानसभा स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा जी, उनको भी भेज दिया गया है। देखिए, अभी आज बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम राष्ट्र की रक्षा संपदा का द्रोहण कर रहे हैं, उसके बाद में अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद में आप उसके ऊपर कॉम्पनसेशन की लिस्ट में भी आपका नाम है। तो कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों का जो कोई पार्टी में घुस के भीतरघात करते हों, उनका जरूर निष्कासन तय होना चाहिए, पार्टी से भी और विधानसभा सीट से भी। कौन है शासन में, क्या पद रखते हैं शासन में? इस वक्त वो पन्ना जिला से MLA भी हैं और मंत्री भी हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं और लगभग 15 साल से इस केस को इन्फ्लुएंस ही करते चले आ रहे हैं और अभी भी SDM कोर्ट में उस केस को इन्फ्लुएंस करेंगे। क्या उनको कोई नोटिस वगैरह दिया गया है? बिल्कुल, सार्वजनिक सूचना भी थी, नोटिस भी था, ED को भी सूचना थी और सारे ही डिपार्टमेंट्स